ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपको पता है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के जगह पे न्यूक्लियोइड रहता है। ठीक है, पहली बार न्यूक्लियस को डिराइव्ड किया था या डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ये टाइम था 1831। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बेसिक डाई से स्टेन होता है। ठीक है, हम ये कह दें थ्रेड स्टेन्ड बाय बेसिक डाई कॉल्ड एज क्रोमैटीन। ठीक है, अब क्योंकि क्रोमैटीन या क्रोमोसोम जो है वो एसिडिक नेचर के हैं, इसीलिए बेसिक डाई से वो स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्रोमैटीन को जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे फ्लेमिंग। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जनरली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जनरली वन सेल कंटेन वन न्यूक्लियस, बट स्केलेटल मसल्स के पास अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं जो स्ट्राइटेड मसल सेल्स होती हैं उनमें। ठीक है, और वैसे ही अगर हम देखेंगे एरिथ्रोसाइट्स में या सीव ट्यूब्स में, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस का कंडीशन। अब स्ट्रक्चरली अगर हम देखें न्यूक्लियस को, तो ये बना होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहीं कहीं पे दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने की वजह से बीच में एक पोर बन जाता है जिसको न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसे हमने बोल दिया आउटर मेम्ब्रेन, इसे हमने बोल दिया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल दिए। ठीक है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में वेरी करता है नियरली 10 to 15 nm तक, 10 to 50 nm तक वेरी करता है। ठीक है, अब देखें अगर तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाले मतलब आउटर मेम्ब्रेन से ही प्रोड्यूस हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंडीशन हो गया। अगर इस पे राइबोसोम्स हैं, जैसे ये राइबोसोम्स हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स का कंडीशन हम देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया न्यूक्लियर पोर। अब एक चीज ध्यान में रखना कि ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही डिफरेंट आरएनए या प्रोटीन्स इनसाइड और आउटसाइड मूव करते हैं। ठीक है, आरएनए या प्रोटीन्स आउटसाइड और इनसाइड मूव करते हैं जो न्यूक्लियस से। ठीक है, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू करते हैं। अब देखते हैं, जैसे ये अंदर का न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी एरिया है वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लें, ये हो गया क्रोमैटिन थ्रेड, और इसी क्रोमैटिन थ्रेड पे ये क्रोमैटिन थ्रेड हो गया। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि ये क्रोमोसोम हो गया, तो जो न्यूक्लियस है वो क्रोमैटिन के भी फॉर्म में पाया जाएगा, सॉरी जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमैटिन के भी फॉर्म में पाया जाता है और क्रोमोसोम के भी फॉर्म में पाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है, जैसे सेल डिवीजन का अगर टाइम रहेगा तो उस समय क्रोमोसोम्स हमको देखने को मिलेंगे, और इंटरफेज का टाइम रहेगा तो उस समय क्रोमैटिन देखने को मिलता है। ठीक है, अब मान लो कि इस क्रोमैटिन पे ही आरएनए की सिंथेसिस होती है जो राइबोसोमल आरएनए है, जिनसे राइबोसोम बनेगा, तो ये हो गया आर आरएनए। ठीक है, अब आर आरएनए का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है वो एक डार्कली स्टेन्ड एरिया होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस हम कह दें वेयर राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये स्फेरिकल हो सकता है एरिया, और एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं किसी एक सेल के, एक एक न्यूक्लियस के अंदर। ये ध्यान में रखना कि उसके प्रोटीन सिंथेसिस कितने करने हैं। अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होती हो, जैसे मान लो कि पैनक्रियाज की सेल्स या कोई एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो उनके अंदर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है,
तो ज्यादा राइबोसोम की जरूरत होगी, और ज्यादा राइबोसोम की जरूरत होगी तो ज्यादा राइबोसोमल आरएनए बनाना होगा राइबोसोम के कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जिनके पास ज्यादा प्रोटीन के सिंथेसिस की जरूरत होगी उनमें ज्यादा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है, और ये डार्कली स्टेन्ड एरिया है। तो अब देखते हैं, जैसे मान लो कि ये हो गया डीएनए, एसिडिक होता है डीएनए, और ये डीएनए रैप किया हुआ रहता है एक प्रोटीन पे जिसको हिस्टोन प्रोटीन हम बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए एसिडिक है और ये प्रोटीन जो है वो बेसिक है, इसीलिए एक दूसरे पे रैप कर लेता है आसानी से, बेसिक हिस्टोन। अब क्या हो गया कि यही एसिडिक डीएनए और बेसिक हिस्टोन मिला करके न्यूक्लियोजोम बोला जाता है, ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन, ये हो गया न्यूक्लियोजोम। अब चलें आगे, जैसे इसे हम बोल दिए, इसी स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बेसिकली क्या क्या मिल करके बनता है, हम कह देते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग। क्रोमैटिन दिखने से ऐसे लगेगा कि स्ट्रिंग पे बीडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हो सकता है आरएनए, ठीक है, जैसे मान लो कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, किसी राइबोसोम की आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो आरएनए या डीएन प्लस डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिल करके ये बना हुआ है क्रोमैटीन, ठीक है। अब जैसे क्रोमैटीन नियरली 2.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये एक छोटे से क्रोमोजोम में अगर फिट हो रहा है तो यानी कि उसमें बहुत सारा रैपिंग होगा, जिगजैग रैपिंग बना होगा, ठीक है। इसी रैप को, इसी स्ट्रक्चर को, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमोजोम। ये हो गया क्रोमैटीन, और ये बीच बीच में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, तो ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर। अगर ये सेल साइकिल है, ठीक है, इतना एरिया मान लो इंटरफेज हो गया, ये एरिया माइटोसिस फेज हो गया, तो क्रोमैटीन हमको देखने को इतने फेज में मिलेगा, पूरे इंटरफेज में, और एम फेज में या डिवीजन के फेज में क्रोमोजोम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्रोमोजोम अगर हम ले लें, ठीक है, तो इस क्रोमोजोम में देखेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये हो गया क्यू आर्म, ये नीचे वाला आर्म हो गया क्यू आर्म, और ऊपर वाला आर्म हो गया पी आर्म, और इसके ऊपर हम देखेंगे कि सैटेलाइट डीएनए है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये, और ये सैटेलाइट डीएनए इसके ऊपर लगा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना होगा कि जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो नॉन स्टेनिंग रीजन होता है, और ऊपर सैटेलाइट डीएनए है जिसके पास कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्नल नहीं है, यानी कि ये जंक